Hi, judges. Hello. Shubham. हाँ जी. क्या उम्र है आपकी? 19. क्या करोगे बड़े होके? इंडियन मिलिट्री एकेडमी. क्या होता है वो? सर, इट्स माई लाइफ. आर्मी मैन. आर्मी में जाने के लिए SSB को क्लियर करना पड़ता है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड. 3 जगह है. कहाँ है? पुणे एंड दूसरा पुणे में नहीं है. पुणे में नहीं है. भोपाल. ओके. एंड बैंगलोर. एंड तुझे क्या पता है फिर? सर, मुझे इतना पता है, मुझे आर्मी में जाना है. ए से है. इट माइट बी. एक मुझे इसी से प्रॉब्लम है कि ये क्यों लिखा है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ये कूल चीज है लिखनी? यार रणवीर जी, यू आर वेस्टिंग योर टाइम ऑन दिस गाय. ठीक है, ही इज फुल ऑफ हिमसेल्फ. तेरे को एटीट्यूड नहीं सर, एक सेकंड मैं बोल रहा हूँ ना यार. तूने लिखा है कि अगर वर्जिन लड़की नहीं है तो तू उसको प्यार नहीं करेगा. क्या? और अगर लिखा है कि नॉन वर्जिन इंडिया में अगर कोई रेप विक्टिम है तो उसको उसके उसको कोई शादी नहीं करनी चाहिए. अब मैं रणविजय तेरे को दोबारा पूछना चाहता हूँ यार, ये बंदा आर्मी में जाना चाहता है? जाएगा नहीं. यू वोंट क्रॉस द SSB. नहीं होगा क्लियर. आई विल सर, आई विल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू. देखा, एटीट्यूड प्रॉब्लम है तेरी. सर, रखना पड़ता है. इट्स रोडीज. तेरे को किसने बोला है रोडीज में आने के लिए? एटीट्यूड एक MCP. मेल शोविनिस्टिक पिग. नो मैम, आई एम नॉट. एक लड़की है जिससे तुझे प्यार है. है. उसने उसका पहले बॉयफ्रेंड था, शी हैड सेक्स विद हिम. ओके. और तुझे उससे प्यार है. ठीक है, तुझे पता है, उसने बताया तुझे, तू शादी नहीं करे उससे? नहीं सर. क्यों? मेरी मर्जी. रीजन क्या तेरा? व्हाई वुड आई गिव रीजन? व्हाई डू यू स्लैप योर सिस्टर? इट इज अ पर्सनल रीजन. ओए. यस सर. तू यहाँ पे क्यों आया? रोडीज बनने. और तू बोल रहा है तू मेरे को पर्सनल रीजन नहीं बताएगा? तो तेरा क्या देख के हम तेरे को सिलेक्ट करें सर? क्या देख के सिलेक्ट करूं मैं अगर तू मुझे पर्सनली बताएगा नहीं है तेरी अपनी पर्सनालिटी के बारे में? सर, ये देख के कि मैं कर सकता हूं कुछ भी. कर सकता है तू? सर के बल खड़े हो जा. सर के बल. ओके. गॉट यू. ऑलराइट गाइस, कैन वी हैव द नेक्स्ट कंटेस्टेंट व्हाइल स्टिल ट्राइंग? लेट्स हैव द नेक्स्ट कंटेस्टेंट. और आई विल डू इट सर. तू करते रहे. आई ट्रस्ट. तेरे को ट्राई दे रहा हूँ, तू करते रहे साइड में, हमारा टाइम वेस्ट मत कर. लेट्स हैव द नेक्स्ट कंटेस्टेंट. सर, टाइम नहीं वेस्ट होगा आपका. इसकी अकड़ निकालता हूँ मैं आज. सर, कैन आई से समथिंग? नो. नेक्स्ट कंटेस्टेंट प्लीज. अरे सर, प्लीज लिसन. या तेरा प्रॉब्लम पता क्या है? हाँ जी. तेरे बस की कुछ है नहीं. अच्छा. ओके. और तू बोलता ज्यादा, तेरे में एटीट्यूड बहुत है. कैन आई टेल यू समथिंग? फिजिकली सर टास्क ना कर पाऊँ, बट सर मैनिपुलेशन और पॉलिटिक्स इस बारे उसकी जरूरत नहीं है. तू अगर हेडस्टैंड कर सकता है, ट्राई कर सकता है, तो कर. सो हेडस्टैंड नहीं हुआ तो मेरा सिलेक्शन कैंसिल. अरे यार, तू कौन होता है बोलने वाला ही? सिंगल लेग स्क्वाट्स. साइड में खड़े हो जा और सिंगल लेग स्क्वाट्स. दूसरी टांग जमीन पे नहीं छूनी चाहिए. कितने करने सर? तो 10 करने बस. तो एक तो कर पहले, फिर डिसाइड करेंगे कितने करने. नीचे जा. टच हो गया तेरा हील, लेफ्ट वाला. ना, नीचे जाओ भाई, स्क्वाट करो. अगला आप कंटेस्टेंट भेजो यार, आप लोग भी. हेलो चाहत. हाय. क्या हाल है? ऑल गुड. सर के बल खड़े हो जा. सर के बल खड़े होना है. He's not even looking at him. शुभम, तेरे को भी करना चाहिए था. I don't have interest. सिंगल लेग स्क्वाट. सर, पांच तो हो गई. एक भी नहीं हुआ तेरा. अरे सर. एक भी नहीं हुआ. शुभम, डोंट बी एन एरोगेंट. बी अ गाय हु वांट्स टू बी सिलेक्टेड. या आई वांट टू बी. शो मी वन. जा नीचे. बम नीचे लेके जा. नीचे लेके जा. हाँ, वो होता है स्क्वाट, सिंगल लेग. कर सकता है जाहत? आराम से. एक उसको दिखा कैसे होता है. देख देख उसको, देख चाहत का, देख. ये वो बैठा नीचे और खड़ा हुआ. नहीं होगा? होगा सर. चाहत, अपने बारे में कुछ बताओ हमें आगे आके. व्हेन यू रेडी विद द वन दैट यू वांट टू शो अस, लेट मी नो.
Tell us about yourself. क्या करते हो? सर कुछ भी नहीं करता. मेरे को थियरली आई एम अनएम्प्लॉयड. एक साल हो गया जॉब ढूंढ रहा हूँ. उससे पहले मैं लंदन में था. क्या कर रहे थे लंदन में? लंदन में एमए इन मार्केटिंग इनोवेशन. मेरी बात का बुरा मत मानना. व्हाट काइंड ऑफ फैमिली आर यू फ्रॉम? सर नॉर्मल फैमिली. मिडिल क्लास? या मिडिल क्लास. तो लंदन में पैसे कैसे आए पढ़ाई करने के? खुद मेहनत वेहनत की कुछ? नहीं सर, लोन लिया था, एजुकेशन लोन लिया है. वाओ. एंड उसका बर्डन अभी बहुत है. रियलाइजेशन जो है वो इंडिया आने के बाद थोड़ा ज़्यादा हो गया है. बिकॉज वहाँ पे जितना भी मेरे को मनी मिलता था ना, सारा मैं उड़ाता था. आई विल नॉट लाई. कभी पूरी बैक टैटू करा ली, कभी किसी एडवेंचर पे निकल गए, कभी कोई और. साथ मेरे लिए वन लेग स्क्वाट्स भी करते रहो. वन लेग स्क्वाट करता रहो? हाँ, बातें भी करते रहो. सर मैंने अपने फॉर्म में लिखा है कि मेरा सबसे बड़ा रिग्रेट है, मैंने बॉडी बिल्डिंग छोड़ा था. बिकॉज जब मैं थोड़ा बहुत टाइटल जीत गया था ना, तो एक दिन साला कोई ऐसे ही मिल गया जो मेरे को चमका गया, कहता कि भाई इतनी अच्छी शक्ल है, मॉडलिंग क्यों नहीं करता. तो हाँ यही है सर, फैक्ट है ना सर, फैक्ट है. एवन रुक. शुभम तेरे को पता है कि हम पिछले 4-5 साल से ये वन लेग स्क्वाट्स करवा रहे हैं सारे कंटेस्टेंट से. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. देखा तूने? तू मानेगा कि तू प्रिपेयर्ड नहीं है. सो प्रिपेयर्ड मेंटली हूँ. कर सकता हूँ सर मैं. आई एम टेलिंग यू. अब नॉट डोंट से कि वन लेग स्क्वाट नहीं हो रही तो आई कैन डू नॉट, आई कैन नॉट डू एनीथिंग. लेट मी आस्क करण, आर यू इंटरेस्टेड? नॉट एट ऑल. ईशा, ट्राई मी मैम. ट्राई यू मैम? विजेंद्र, क्या प्रॉब्लम है आपको इनसे? एटीट्यूड. एटीट्यूड प्रॉब्लम. निकल ले अब यहां से, निकल. ओके शुभम, लीव. देयर इज अनदर पर्सन स्टैंडिंग देयर. प्लीज सर. तो समझ नहीं आ रहा एक बारी में. ओके आई एम लीविंग. सॉरी सर. लीव इफ यू आर हर्ट. आई एम लीव. बट स्टिल आई एम लीव. एटीट्यूड है यार बंदे में, प्रॉब्लम है. संकी है वो. अनख एक अलग चीज होती है, अक्कड़ एक अलग चीज होती है, बेवकूफी एक अलग चीज होती है. सॉरी चाहत, यू टू सी दैट. तूने पहले बोला कि मैं पैसे जब मेरे पास आ रहे थे, कभी मैं इस चीज पे खर्च रहा था, कभी टैटू पे खर्च रहा था, कभी किस चीज पे खर्च रहा था, ऐसी चीजों पे खर्च रहा था. तू टैटू अभी भी है कि निकाल दिया? नहीं नहीं टैटू है. दिखा. ए, है. ठीक है, तेरा एक मेरे को फन साइड देखना है. 60 सेकंड है तेरे पास, फन दिखाना है तुझे. और इस 60 सेकंड में तुझे ये भी रियलाइज करना है, तेरे लास्ट 60 सेकंड हैं जिसमें हम चारों ये डिसाइड करेंगे कि क्या आप हमारे गैंग में आओगे या नहीं. राइट, मेक दीज 60 सेकंड्स काउंट. Maurice.